हेलो बच्चा पाठी, कैसे हो आप सब लोग बेटा। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। सो जैसा कि आप सब लोगों को पता ही है कि आप लोगों के जो रोल नंबर्स हैं वो आने वाले हैं, है ना। रोल नंबर आने वाले हैं और आ भी गए हैं। वैसे बच्चों ने कुछ मुझे बच्चों ने मैसेज किया था कि मैम हमारे आ गए हैं, तो मुझे अभी वो चीज़ नहीं पता है, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। वैसे बाकी अगर जब आप लोगों के रोल नंबर्स आएंगे तो यहाँ पर शो हो जाएगा। देखिए, ये हम ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं। वन सेकेंड, जैसे यहाँ पर आप जब बैक में जाएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को शो हो जाते हैं। आप लोगों ने निकाल लिए अगर जिस जिस के आ गए हो तो वो मुझे बता दीजिएगा। देखिए यहाँ से ये देखिए ये आ रहे हैं ना, न्यूज़ में जब आप नीचे स्क्रॉल करते हैं तो ये है डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर DLED, ठीक है ना। ये तो इसके आए हुए हैं, और एडमिट कार्ड ये आए हुए हैं फर्स्ट ईयर रीअपियर वालों के, ये फर्स्ट ईयर फ्रेश वालों के आए हुए हैं। और नेक्स्ट अगर थर्ड नंबर पे देखा जाए तो ये आ रखे हैं डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर DLED एडमिशन फ्रेश एंड सेकेंड ईयर कैंडिडेट जुलाई, तो इनके अभी आ रखे हैं। अभी आप लोगों के लिए तो शायद नहीं दिख रहा है मुझे, लेकिन आ जाएगा, ठीक है। और जब आएगा तो शो जो है वो यहीं करेगा, ठीक है, इसी जगह पर शो करेगा। ये जो कलरफुल दिया हुआ है ना नोटिफिकेशंस, यहाँ पर आप लोगों के एडमिट कार्ड जो है शो हो जाएंगे। जैसे ये लिखा हुआ है डाउनलोड एडमिट कार्ड, तो यहीं लिखा होगा डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर कंपार्टमेंट एग्जाम इन जुलाई 2022, ठीक है। तो यहाँ से आकर आप लोगों ने डाउनलोड कर लेना है, ओके। अब बहुत सारे बच्चों के कुछ कॉमन डाउट हैं। एक तो ये डाउट है कि मैम सेंटर के लिए बच्चों के बेचारे परेशान हो रखे हैं कि मैम सेंटर जो है वो किधर बनेगा, और हम लोगों का सेंटर दूर ना बन जाए, या फिर हम लोग जो हैं वो जहाँ पर रह रहे हैं हम वहाँ से कहीं और चले गए हैं, तो अब हमारा जो सेंटर है वो आसपास हो सकता है, हम चेंज करा सकते हो। नहीं बेटा, चेंज नहीं करवा सकते हो, आपका जो एड्रेस है उसी हिसाब से आप लोगों का सेंटर जो है वो फिक्स हो जाएगा। आप लोगों का जो स्कूल है, आप लोगों के स्कूल के आसपास जो है वही सेंटर बनेगा। ये एक चीज़ हो सकती है कि आप लोग जो ओल्ड वाला सेंटर बना था ना वो बनने के चांसेस अब कम हैं, जो न्यू सेंटर होगा वही रहेगा आप लोगों का, तो उसके ऊपर ध्यान दीजिए और बस पढ़ाई पर लग जाइए कि किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। एक चीज़ मैं आप लोगों को बोल देती हूँ, मैंने प्रीवियस जो है जब आप लोगों के एग्जाम्स चल रहे थे ना, तो आप लोग थोड़ा सा आप लोगों को स्क्रॉलिंग करनी पड़ेगी बेटा, तो मैंने हर क्लास के लिए हर एग्ज़ाम के लिए आप लोगों की तैयारी करवाई थी और उसमें वीडियोज़ बहुत सारी पड़ी हुई हैं, ठीक है। अदरवाइज़ आप लोग जो एक मेरी प्लेलिस्ट आपके नाम को मिल जाएगी, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के नाम से प्लेलिस्ट है, उसका नेम मैंने चेंज कर दिया, पहले वो एजुकेशनल अपडेट के नाम से थी। तो उस प्लेलिस्ट में आप जाओगे वहाँ पर भी आपको थोड़ी स्क्रॉलिंग करनी पड़ेगी, आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिलेंगी, चाहे वो 10th क्लास के लिए हों चाहे वो 12th क्लास के लिए हों। हर एग्ज़ाम के लिए मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बताए थे और साथ के साथ आप लोगों को सिलेबस बताया था, तो सिलेबस कोई चेंज नहीं हुआ है अभी, और क्वेश्चंस का पैटर्न भी वही रहने वाला है, एमसीक्यूज भी आने वाले हैं, तो अभी कोई अपडेट ऐसी नहीं है कि आप लोगों को चेंज होगा, तो इसलिए परेशान मत होइए। अगर कुछ मुझे ज़रा सी भी अपडेट लगती है तो मैं आप लोगों के साथ तुरंत शेयर करूँगी, ताकि बच्चे जो हैं वो धोखे में ना रहें, ठीक है बेटा। ये एक चीज़ क्लियर हो गई है। सेंटर के लिए मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि सेंटर आप लोगों का जो मैंने बोला है कि कहाँ रहने वाला है, आपके आसपास ही, और सेंटर आपका चेंज नहीं हो सकता, वो HBSE बोर्ड की तरफ से ही आएगा, तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ओके। बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट कर रहे हैं कि मैम इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताओ, इसकी तैयारी कराओ, इस सब्जेक्ट के बारे में बताओ। तो बेटा जब आप लोगों का एग्ज़ाम टाइम चल रहा था ना, जब आप लोगों के फाइनल एग्ज़ाम्स चल रहे थे, उस टाइम पर मैंने बहुत सारे बच्चों को जो है यहाँ से, बहुत सारे बच्चे पास हुए भी हैं नो डाउट, और जिन बच्चों ने यहाँ से वीडियोज़ देख देख के तैयारी करी थी, बहुत सारे बच्चे उसमें से पास हो चुके हैं, ठीक है। जो नहीं हुए उनका लक है, उनकी मेहनत है। बाकी यहाँ पर मैंने फुल ऑन तैयारी करवाई थी कि इस तरीके से ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करो, डेफिनेटली वहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे, तो आप लोगों को वो क्वेश्चन वो वीडियोस मिल जाएंगी, तो आप लोग परेशान मत होइए, उन वीडियोस को जाके देखिए। अदरवाइज आप बार बार उसी टॉपिक पर मुझसे वीडियो मांगेंगे, तो वही है कि मेहनत बार बार दोबारा से मुझे एक ही चीज़ पर करनी पड़ेगी, क्योंकि पुरानी वीडियोज़ जब चैनल पर हैं तो आप उन्हीं को देख सकते हैं। मैंने एक बहुत अच्छे से जिन जिन की तैयारी करवाई थी, एक 10th है, 10th में मैंने मैथ्स की तैयारी बहुत अच्छे से करवाई थी, हर एक चैप्टर के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे। उसके बाद साइंस की तैयारी मैंने बहुत अच्छे से करवाई थी, हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने वहां से बताए थे, ठीक है। ऐसे ही मैं 12th के लिए अगर बोलूं, एक मैंने फिजिक्स के लिए, एक केमिस्ट्री के लिए, एक मैथ्स के लिए और इकोनॉमिक्स के लिए, ये जो चैप्टर्स हैं, और एक इंग्लिश, इनके लिए जो है मैंने काफ़ी अच्छे से आप लोगों को हर एक वीडियो में बताया था, और इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, सैम्पल पेपर, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सब कुछ मैंने बताया था। तो आप लोगों को चैनल पर वीडियोस मिल जाएंगी, तो आप लोगों को थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा सीखने के लिए। बाकी मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, प्लेलिस्ट का लिंक, ठीक है, ताकि आप लोग परेशान ना हो और वहां से जाकर डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट पर जाएं। तो वीडियोज़ उसमें काफ़ी हैं, 150-200 वीडियोज़ हो गई हैं, क्योंकि हर 10th और 12th हर क्लास का मैंने प्रिपरेशन करवाई थी, तो आप लोगों को थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा बेटा, लेकिन अगर मेहनत करनी है देखिए तो थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, तो आप वहाँ से जाकर वो आराम से वीडियो देख सकते हैं और आराम से उसको तैयारी कर सकते हैं, तो परेशान मत होइए, ठीक है। बाकी आप लोगों के एडमिट कार्ड आप लोग निकलवा लीजिएगा, मैंने आपको जैसे बता ही दिया है। उसके अलावा मैं सेंटर भी मैंने आप लोगों को बता दिया, उस पर मेंशन होगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा।
अपना फ़ोटो वगैरह, अपनी डेट वगैरह, इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। जो डेट ऑफ बर्थ होती है उसके ऊपर देखिएगा कि ठीक है कि नहीं है। अपनी फ़ोटो देखिएगा सेम है, मैच है, क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। और उसके बाद अपना पेरेंट्स के जो उसके ऊपर वो होते हैं, मतलब कि आइडेंटिटी होती है अपनी, जो आइडेंटिटी होती है उसको फुल ऑन चेक कर लीजिएगा कि ठीक से आइडेंटिटी मेरी ठीक है, लिखी हुई नहीं है, कुछ भी मिसमैच हो तो आप तुरंत स्कूल में जाइए और वहाँ से उसको ठीक करवाइए, ठीक है। ओके, तो आई होप सारी चीज़ें पता लग गई हैं। तो पेपर ज़्यादा दूर नहीं है आप लोगों का, 31 जुलाई को पेपर है और 20 तारीख तो हो ही गई है, 11 दिन बाद आपका पेपर है, 10 दिन बाद, 11वें दिन तो पेपर है ही। तो चैनल पर बहुत सारी वीडियोस हैं, तो बार बार कमेंट करने से अच्छा है कि उस प्लेलिस्ट में जाएं और उसको एक बार विजिट करें। डिस्क्रिप्शन में आपको सबके लिंक मिल जाएंगे, उस प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा जहां से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, और उसमें सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पिछले सैम्पल पेपर्स, सब कुछ मिल जाएगा आपको उस प्लेलिस्ट में, ठीक है, जो मैंने करवाया था फाइनल एग्जाम्स के टाइम पे, क्योंकि सिलेबस और पैटर्न कुछ बदला नहीं है, तो वही सेम टू सेम आपको दोबारा से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है बेटा। इसके अलावा मैं फेसबुक ग्रुप है, इंस्टा ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, सब पर मैं अवेलेबल हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में आपको सबके लिंक मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाकर मुझको फॉलो कर सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं अगर आपको किसी चीज़ में हेल्प चाहिए हो, किसी भी तरह का कोई सहयोग चाहिए हो और आपको लगे कि हाँ मैं हेल्प कर सकती हूँ, तो वो आप मुझे वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, ओके। बाकी टेलीग्राम ग्रुप हमारा अवेलेबल है ही, आप वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए और कोई भी डाउट हो तो वहाँ से आप क्लियर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।